back to our YouTube channel. I hope that you guys are doing absolutely well. और आज की वीडियो के लिए I am filming सरोजिनी नगर हॉल वीडियो. So इस विंटर सीजन में सरोजिनी नगर मैं दो बारी होकर आई. पहली बारी मैं गई थी जब जस्ट विंटर स्टार्ट हुई थी और मैंने विंटर कलेक्शन की वीडियो बनाई. I'll put the link above, you can check it out. Secondly मैं अभी एक दो हफ्ता पहले गई और मेरा मेन फोकस इस टाइम यही था कि मुझे विंटर शॉपिंग करनी है अपने लिए. बिकॉज जो विंटर का सामान होता है ऑनलाइन या मॉल्स वगैरह में ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है और सरोजिनी नगर में ऑफकोर्स आपको 100 रुपीज़ से लेके 350 रुपीज़ में विंटर्स का सामान मिल जाता है. सो मेरा वही मेन पर्पस था. बट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड दिस टाइम. जितना भी सामान मैंने देखा ना, चाहे वो स्वेटर्स हो, चाहे जैकेट्स हों, चाहे कोट्स वगैरह हो, सबका क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट और बहुत स्ट्रगल करा ताकि मैं अच्छी ही चीज़ें लूँ एंड आई डिडंट वॉन्ट टू बाय समथिंग जो कि मेरे यूज़ में भी ना रहे. सो या आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे. अगर अच्छी लग जाती है देन डू क्लिक ऑन दी लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को एंड प्लीज़ लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दी आइटम्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि मुझे पता चले कि कैसा लगा आपको ये सब. एंड या नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके गाइस, सो द फर्स्ट थिंग आई पिक फ्रॉम देयर इज दिस डेनिम जैकेट. इसको मैंने अपनी पहली विजिट में लिया था और जो वहाँ पर है ना डेनिम जैकेट्स आपको समर्स में भी मिल जाती है, विंटर्स में मिल जाती है, तो थ्रू आउट द सीजन आपको डेनिम जैकेट्स वहाँ पे मिलती है. सो इससे पहले भी मैंने एक ओवरसाइज जैकेट लिया था, वो थोड़ा डार्क कलर में था. आई विल पुट द पिक्चर ओवर हियर, यू कैन चेक इट आउट. नाउ इसका जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. ऐसे कलर की मेरे पास अभी तक कोई डेनिम जैकेट नहीं थी. इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. देन इसके ऊपर ना जगह जगह पर आपको इस तरीके का डिस्ट्रेस मिल जाता है, लाइक फटा हुआ स्टाइल है इसका, बैक पे है, फ्रंट में है, विच मेक्स इट लुक रियली रियली स्टाइलिश. बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है ये और इसका लेंथ मुझ पे एकदम परफेक्ट है. देन इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ये, लाइक सरोजिनी नगर से आपने कुछ लिया और इसकी फिटिंग एकदम अच्छी सी आ जाए तो बिल्कुल मतलब दिल को खुशी मिल जाती है. इसको मैं लाइट विंटर्स में नीचे एक टी शर्ट पहन के पहन सकती हूँ और अगर मतलब हैवी विंटर्स हो लाइक अभी दिसंबर जनवरी में तो मैं इसके नीचे स्वेटर पहन सकती हूँ. इसमें इतनी स्पेस है कि ये एक स्वेटर को भी अकोमोडेट कर सके और इसकी फिटिंग, इसकी लेंथ, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट. इसको डेफिनेटली जो सेलर था उसने कोट किया था अराउंड ₹500 और मैंने बहुत डेस्परेट थी इसको लेने के लिए तो मैंने इसका जो बार्गेनिंग प्राइस था वो लिया था ₹250 में बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी. अदरवाइज इसका प्राइस और कम हो सकता था. बट सीरियसली मुझे ये डेनिम जैकेट इतनी अच्छी लगी है, इसकी फिटिंग बहुत परफेक्ट है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने इसे सरोजिनी नगर से लिया है. तो द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम देयर इज दिस ग्रीन कलर का स्वेटर एंड दिस इज हाउ दिस लुक्स. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे सारे स्वेटर्स मुझे ऐसे लग रहे थे बूर आ रखी है या यूज्ड है, मतलब कुछ भी अच्छा सा नहीं दिख रहा था. सो उस हिसाब से मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, लाइक विंटर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है. यूजुअली हमें ग्रेज एंड ब्लैक्स और वाइट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. एंड सेकेंडली इसका जो फैब्रिक है वो निटेड वूलन फैब्रिक है तो फैब्रिक इसका ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बूर आ जाएगी और कहीं से भी इसके कोई लूज थ्रेड्स नहीं निकल रहे हैं. क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वार्म भी है. इसके नीचे अगर आप एक टी शर्ट पहन लो या वार्मर पहन लो तो काफ़ी ज़्यादा कोजी और वार्म है. और थर्डली ये ₹200 का बोला था, शायद उसने ₹100 में दे दिया था तो आई वॉज लाइक कि ₹100 में मतलब पहन के मैंने ट्राई भी किया था वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. ऑन द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस ग्रे कलर का टर्टल नेक स्वेटर एंड दिस इज हाउ दिस वन लुक्स. और ऐसे जो टर्टल नेक्स होते हैं और लॉन्ग स्वेटर्स होते हैं इनको आप ड्रेसेस की तरह भी पहन सकते हो और ये आपको शीन पे या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मतलब बहुत जगह दिखेंगे और काफ़ी एक्सपेंसिव दिखेंगे, लाइक 1500 से ऊपर ही दिखेंगे ये. सो दिस वन अगेन काफ़ी वॉर्म रखता है. इसका फैब्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा थिक है, इनफैक्ट इसका तो ग्रीन वाले से भी ज़्यादा थिक फैब्रिक है तो काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा आपको कोजी रखता है ये, लाइक बिल्कुल भी थिन नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट विंटर्स में पहनोगे, इसको आप हैवी विंटर्स में अभी दिसंबर जनवरी में आराम से पहन सकते हो. बस मुझे इसका एक यही टेंशन है कि जब ये धुल जाएगा तो मे बी ये लूज ना हो जाए, बट अदरवाइज अभी के लिए इट इज़ वेरी वेरी गुड. एंड इसको चाहे तो आप सिंगल पीस ड्रेस की तरह पहन सकते हो, चाहे तो आप इसको जेगिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हो. सो बेसिकली आप इसको बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकते हो. एंड इसी के साथ मैंने एक ब्लैक कलर का इलास्टिकेटेड बेल्ट भी लिया है और इस बेल्ट को लेने का मेरा यही पर्पज़ था कि मैं इसको इस ग्रे स्वेटर के साथ यूज़ करूँगी जस्ट टू टाई अराउंड माई वेस्ट और इसको एक अच्छा सा डेफिनेशन दे दूँगी. एंड दिस वन एज आई टोल्ड यू इज इलास्टिकेटेड एंड देन वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ बकल ऑन इट. इस टाइप का बटन मिल जाता है एंड यू कैन सी द क्वालिटी इज सो गुड. द बकल का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड देन यू कैन ऑल्सो क्लोज करने का भी, यू नो, एट द बैक यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर बोथ द साइड्स.
So belt काफी ज़्यादा अच्छा है ये भी and I got it for ₹150 only. Okay, so the next thing which is my absolute favorite in this haul are these boots. I am just loving them. They are so good. Obviously मैंने इनको shop से लिया है, मैंने इनको बाहर से नहीं लिया है and I am loving everything about them. First of all इनका color मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मेरे पास black color के boots हैं but मेरे पास अभी तक brown color के boots नहीं थे, जो थे वो ख़राब हो चुके थे. So that's why इनका color भी बहुत सारे outfits के साथ आराम से चला जाता है, तो उसका कलर बहुत अमेजिंग है. एंड देन जो इनकी शेप है आगे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे ऐसी शेप चाहिए थी. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि इनकी जो लेंथ है एकदम परफेक्ट है, लाइक बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, एकदम अच्छी है. और हील भी जो है ना इनकी, ऐसा नहीं है कि हील्स है नहीं और ऐसा नहीं है कि हील्स बहुत ज़्यादा बड़ी है. बहुत ज़्यादा बड़ी हील हो जाती है तो भी कंफर्टेबल नहीं रहता, लाइक हर जगह आपको नहीं पहन सकते हो उसको, बहुत बड़ी हील को कैरी करना मुश्किल हो जाता है. इसकी हील जो है एकदम एप्रोप्रिएट है, आपका जो पॉस्चर है एकदम अच्छे से रखती है ये. एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अभी जब से ये आए हैं बीन वेयरिंग दैम, लाइक हर जगह पे आई हैव बीन वेयरिंग देम. मेरे हॉल्स में भी आपने देखा होगा कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा पहना है. सो मुझे ये ओवरऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं. इनको मैंने मॉल में या आई थिंक मैक्स पे मैंने इनको देखा था, नहीं बिग बाजार में मैंने इन्हें शायद देखा था कहीं पर, सेम पैटर्न एंड सेम डिज़ाइन फॉर 2000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ समथिंग, और मुझे ये 1000 रुपीज़ के मिले हैं. वेरी वेरी हैप्पी विद देम, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, जस्ट आई कैन से दैट. So the next thing which I've got with me is this green color का sling bag. और ये जो bag है मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मेरी आंटी ने लिया था, हम लोग साथ में ही shopping करने गए थे. And this we basically picked because ये थोड़ा सा winter vibes दे रहा है, इसका जो fabric है ये थोड़ा winter vibes दे रहा है. And talking about this, इसकी quality काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी quality है, बिल्कुल भी cheap quality का या इसकी stitching वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी quality है इसकी. And then इसके अंदर कोई pockets नहीं है, कोई zip नहीं है. Basically it can be used अगर आपको कोई अपना phone रखना हो, कोम रखना हो, लाइक छोटा मोटा स्टफ यू कैन कीप इट इनसाइड. एंड देन अगेन इसके अंदर आपको इस तरीके का छोटा सा बेल्ट भी मिल जाता है. इफ़ यू वांट टू कैरी दिस बैग, अगर आपको स्लिंग बैग की तरह यूज़ नहीं करना है तो देन यू कैन यूज़ दिस बेल्ट जो इसके साथ मिला है. एंड हर जगह पे ही आपको ना बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही थी, बहुत अमेजिंग बैग्स थे. दिस वन वॉज फॉर ₹350 और इसी रेंज में लाइक 350, 450, 250 में आपको बहुत सारी शॉप्स पे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स मिल रहे थे. एंड इस प्राइस में आई थिंक इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बैग. गाइस मूविंग ऑन, आई ऑल्सो गॉट सम रैंडम स्टफ लाइक स्टोल्स एंड इयररिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस स्टोल एंड इसका जो कलर है इट्स वेरी वेरी एलिगेंट, बहुत ज़्यादा विंटर अप्रोप्रिएट है, लाइक पेस्टल कलर है. विंटर्स में ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. और ये जो है मुझे ₹50 का मिला था. सो इस टाइप के स्टोल्स आपको 50 से लेके 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाते हैं. एंड देन थोड़े विंटर वाले शॉल्स वगैरह भी थे विच वर फॉर ₹250. ऑल्सो आई पिक्ड अ फ्यू ऑफ द इयररिंग्स. सो इयररिंग्स की कलेक्शन भी ना 2019 में बहुत सारी देखने को मिली, लाइक हूप्स आपको मिल जाएंगे, पर्ल इयररिंग्स, शेल इयररिंग्स, इंडियन एथनिक इयररिंग्स, लाइक बहुत सारी वैरायटी थी इस साल. एंड आई पिक्ड अप फ्यू ऑफ देम. एक तो ये था लाइक दिस इज पर्ल वाला इयररिंग एंड इट लुक सो गुड, पहन के इतना प्रिटी लगता है. आपने शीन पे इसको देखा होगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड क्वालिटी फिनिशिंग इज सुपर नाइस. आई गॉट दिस वन फॉर 100 रुपीज़ आई गेस. देन आई ऑल्सो पिक दिस वेरी सिंपल वन, ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला था और इसका भी शेप वगैरह बहुत अच्छा है. आई ऑल्सो गॉट दिस सिंपल हूप इयररिंग. ये सारे आपको लाइक 100 रुपीज़ के मिल जाते हैं वहाँ पे और ये पहन के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. पर्ल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गॉट दिस स्वेटर ऑल्सो विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. आई ट्राई टू गिव यू द फुल पिक्चर ऑफ दिस एज वेल. सो ये देखने में तो मुझे नॉर्मल लग रहा था, लाइक ठीक ठाक, इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा था. बट इसका जो फैब्रिक है ना इट्स सुपर सॉफ्ट, बहुत फरी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर से भी सॉफ्ट है एंड बाहर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. सो आपको बहुत ज़्यादा वार्म रखता है, बहुत ज़्यादा कोजी रखता है. एंड डेफिनेटली आपको सरोजिनी नगर में ये मिल रहा है जस्ट फॉर 150 रुपीज़ में. उसमें आई थिंक इट इज़ अ स्टील. डू लेट मी नो कि आपको ये स्वेटर कैसा लग रहा है. आई विल डेफिनेटली इंसर्ट अ फुल पिक्चर और अ वीडियो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई ट्राई टू मैंशन द शॉप नंबर्स हेयर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर यू एज वेल. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, then do click on the like button and subscribe to my channel if you have not done it till now. And yeah, I'll see you next time. Till then you take care of yourself. Tada, bye bye.